आज 9 सितंबर 2020 के दिन साकार बाप दादा ने फरमाया है, मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो। कोई समस्या कुछ भी ठीक करना है, अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, वातावरण को ठीक करना है, तो हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं, तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। तुम ईश्वरीय संतान हो इसीलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? तो बाबा ने कहा, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। योग बल के सिवाय अर्थात योग बल के बिना तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो और नम्रता से व्यवहार करो। इतने काम कहे बाबा ने। पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो और नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। ये बात बाबा के बताने से पहले किसी ने नहीं बताई। सो कैसे जानते? तो कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते, कोई भी प्रकार की। भक्ति मार्ग में छूट गया वो काम, अब फिर से ये करते रहे, बाबा बच्चे को अच्छी जगह एडमिशन दिला दो, पास करा दो, इस प्लॉट की मकान की अलॉटमेंट करा दो। तो कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते। बाबा अमृत वेले उठा दो, बाबा योग लगवा दो। तो बाप सब कुछ समझते हैं। बाबा को पता है आपको कब क्या चाहिए। आपकी लगन देखकर बाप सब कुछ समझते हैं। कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते, बच्चे मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ। मांगने की ज़रूरत नहीं है। बाप कहते, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं बाबा। कभी पूछते हैं, खान पान की तकलीफ होती है, अब ये तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है कि हर बात में योग बल से काम लो। खान पान की तकलीफ है, नौकरी ऐसी है या ऐसे स्थान पर है जहाँ शुद्ध भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, तो बाप कहते योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो। और कहीं भी जाओ तो मुख्य बात बाप को ज़रूर याद करना है और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वो है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा ये एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है।
पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना कि तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो कि ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता उसको, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं लगता, ऐसा न्योछावर जाती है। कितनी बहादुर होती है, जीते जी आग में जलना बहुत भारी काम है, कितनी बहादुर होती है। आगे तो चिता पर बहुत चढ़ती थी, ये बंद कराई सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत काम किया था। तो बाबा ने कहा वो चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं रहता, कितनी बहादुर होती। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, बाबा पिछली दुनिया का, पिछले भारत का हाल बता रहे हैं। यहाँ बाबा ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते, कैसे न्योछावर जाना है वो बताते हैं। भले नाम ज्ञान चिता है, बाबा जो चढ़ा रहे हैं वो ज्ञान चिता पर चढ़ा रहे हैं, और उसमें जलने करने की तो बात ही नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं, विकारों से भी ऐसे निकाल देते हैं जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं कि बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से ज़्यादा अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है, ये मैं बताता हूँ आके। मनुष्यों को पता नहीं पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो कि पाप ही किए हैं, खास बात ये है कि देहभान में रहते थे तो पाप ही किए हैं। वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाएं। पुण्य आत्माएं होती हैं सतयुग में, बाबा कहते पुण्य आत्माएं होती हैं सतयुग में। यहाँ कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा, पतन या गिरावट तो वैसे ही हो रहा है, सीढ़ी उतरने से थोड़े ही बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। अब यह बाप तो ऐसा बिलवेड है जिस पर कहते हैं कि जीते जी न्योछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति, बापों का बाप, ये सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। तो ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं है कितना साधारण। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उनों की सेवा करते थे। ब्रह्मा बाप है ही पालना देने के लिए, बहुत बहुत प्यार से पालना दी। शुरू में माना कराची में, उससे पहले सिंध हैदराबाद में। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उनों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं, बाप दादा ऊंचते ऊंच हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या खुद करूंगा, दोनों बाप दादा एक हो गए। तो दोनों जैसे एक हो जाते पता थोड़ी पड़ता है कि बाप क्या करते हैं और दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति
बाप ही बैठ कर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है और लेकिन माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते, ये माया का प्रभाव है। ईश्वर बाप मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो तो भी बाप नहीं, तो भी बाबा कहते नहीं मानते बच्चे। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना है, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही तो मना करेंगे ना, बाबा मना करेंगे तो उल्टे काम के लिए ही तो मना करेंगे ना। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है, भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ तो बाप करते भी नहीं है। वे भक्ति में भी गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, ठुकरा दो या प्यार करो, है ना, या फिर इस तरह का, चाहे आप हमें कुछ भी दो, चाहे फूलों का हार, चाहे कांटों का हार, चाहे फूलों का श्रृंगार, कुछ भी दो लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे भक्ति में गीत गाते हैं। तो बाबा ने कहा भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है, कुछ भी करे मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है। परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है, ये एक्सट्रीम के लिए कहा जाता। गीत भी है कि तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है, यहाँ कितनी सेफ्टी, कितना प्यार, कितनी पवित्रता है, बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है, ऐसे थोड़े दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं, यह है पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं, कैसे करने हैं इसकी भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे, वही तो प्रॉब्लम आती है, शुद्ध भोजन खाने में, फौज में, कहीं पुलिस की नौकरी में। बाबा कहते अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अच्छा, फिर बच्चे पूछते हैं बाबा ऐसा ये डिपार्टमेंट है, इसमें गुस्सा करना पड़ता, जोर से बोलना पड़ता, तो गालियाँ भी बहुत देते हैं। चलो बाबा के बच्चे हैं, गालियाँ तो नहीं देंगे, तो अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से काम लो, बाबा समझा रहे हैं, जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, एक्टिंग करो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। हाथ नहीं चलाना है तुम्हारा काम, उन पर हिंसा करना, थप्पड़ आदि मारना नहीं है, हाथ नहीं चलाना है। बाबा बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, तो बाबा को भी बच्चों का ओना रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तुम एक्टिंग जैसे करोगे ठीक हो जाएंगी, मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं कि बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो। बाबा कहते बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो। पति को कहना, हथियाला बांधते समय कहते हैं ना,
मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, तो गुरु और ईश्वर कैसा होना चाहिए? अपवित्र बनाने वाला थोड़ी होना चाहिए। तो मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, तो अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो? भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना। कितने अच्छे तरीके से बाबा समझा रहे हैं, भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, तो आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ, आप ही बन जाओ पावन बनाने वाले। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए, पूरी कोशिश करो, पूरी कोशिश के प्यार और नम्रता से बात बन जाए और पवित्र रहो और वो सहयोगी बने। तो बाबा ने कहा, क्रोध करे तो भी फूलों की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। ऐसा कहानियाँ सुनाती थी माताएं अबलाएं कि बाबा ऐसे ऐसे मारते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं। तो बाबा कहते फिर क्या करते हैं, मारते हैं फिर सुबह को उठ के अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो यह विष भी ऐसी चीज़ है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। विषय विकार ऐसी चीज़ है, पछताते भी हैं परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं। एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज़ें खुशी में लाती हैं, दुनियावी नशे की चीज़ें भी एकदम मस्ती में खुशी में ले आती हैं, विकार भी ऐसे हैं, बाबा समझा रहे हैं, विकार भी ऐसे हैं। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, इससे अलग हटकर जो बाबा से मिलने और जुड़ने का प्यार आनंद खुशी है वो अनुभव नहीं की, इसीलिए विकारों में खुशी महसूस कर रहे हैं। बाबा कहते यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकता। योग इसलिए चाहिए, योग बल की ही करामात है, तभी तो नाम मशहूर है। तो बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाएंगे। तो दूर हो जाते वह तो है आधा कल्प के लिए, आर्टिफिशियल शांति कितना टाइम किया, कितनी बार किया, बाबा कहते अल्पकाल, आधा कल्प में भी कितनी बार सन्यासी बने, घर छोड़ा, भक्ति की, लेकिन वो आर्टिफिशियल शांति मिलती है। किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं है। बाप कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करें तब तक आत्मा शांत ही रहती है, फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई जिनको भूत प्रेत कहते हैं, या फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, भटकती रहती है, सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, तो वह छाया के शरीर होते हैं। कोई तो दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसी को दुख नहीं देते, ऐसे अच्छे मनुष्य, दैवी गुणों वाले, जो किसी को दुख नहीं देते, और कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई तो जैसे एकदम साधु महात्मा होते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने आए? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है।
बाबा आपसे क्या मिलना है यह तो कोई प्रश्न ही नहीं, पता ही है भगवान से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, यह तो कोई प्रश्न ही नहीं, आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, बहुत सर्वोच्च हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो ज़रूर आपसे तो बादशाही ही मिलेगी, आपसे तो बादशाही मिलेगी। बाप कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे, हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, बड़े ते बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा, बड़े ते बड़ी आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं है, तुम तो कहेंगे कि हम इनके घराने के हैं, तुम तो विष्णु के इतना नज़दीक हो कि हम तो इनके घराने के हैं, ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं, ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही हैं, यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, हम ब्राह्मणों के अलंकार हैं, ये अभी ये नॉलेज है, सतयुग में थोड़े ही ये समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में भी ताकत नहीं है, तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ ना सके, बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं कि हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं, हम तो अभी शिक्षा पा रहे हैं, इसीलिए विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को ये शोभते नहीं हैं, तो हम तो अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे, स्वयं का दर्शन करते रियलाइज़ करते हम देवता बन जाएंगे, क्योंकि अपने दैवी गुणों को भी रियलाइज़ करेंगे ना, तो ब्राह्मण बनते हैं तब तक स्वदर्शन चक्र बहुत बार घुमाते हैं, पर कभी कभी परदर्शन चक्र भी घुमा लेते हैं। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे, स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाप कितना सहज कर समझाते हैं, इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती, मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी हैं, मनुष्यों की ही बात है ये, तुमसे ही प्रश्न पूछते हैं बाबा, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है, यानी पहले अपना ख्याल करो, खुद को देवता बनाने की प्रैक्टिस करो, अब ज्ञान में ये थोड़ी समझाएंगे दुनिया में मछलियाँ कितनी हैं, कछुए कितने हैं, मनुष्य आत्माएं कैसी बन गई हैं और उनको कैसे सुधारना है ये समझाएंगे। तो बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है, अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो, खुद तो तुम शुद्ध पवित्र बन गए, पूछो अपने आप से और किसी को आप समान बनाया, अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो उनको रिफ्यूज़ नहीं करना है, विश्व की बादशाही रिफ्यूज़ की तो ख़त्म, फिर रिफ्यूज़ में जाकर पड़ेंगे, रिफ्यूज़ का बॉक्स माना कचरे का डिब्बा, उसमें जाकर पड़ेंगे, ये सारी दुनिया है किचड़ा वेस्टेज जहाँ फेंकते हैं रिफ्यूज़,
तो ये सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही तो कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये किसी को पता नहीं है, सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे ही नहीं। अपना घमंड रहता है कि ज़रा भी फिर सुनते नहीं, जब अपना घमंड आगे आ जाता है तो किसी की बातें नहीं सुनते हैं। कह देते ये सब आपकी कल्पना है, ऐसी बात कहेंगे बाबा के बच्चों को, कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते, बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उन्हीं का ये खेल है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बात मत पूछो। ये संसार असार है, स्वप्नवत है, कल्पना मात्र है। ईश्वर जो चाहे सो बन जाते हैं, उनका ये खेल चल रहा है। ऐसी ऐसी बातें करते जो बात मत पूछो, अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा आया हुआ है, बुढ़िया भी कहती हैं बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुम फिर इसी नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है, भले बाबा कहते थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा कहते थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट, प्रारब्ध उसके बाद मिलेगी, पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। तो बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है, श्रीमत रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, बापों का बाप पतियों का पति तो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है, क्योंकि बाबा जानते हैं और बताते भी हैं, बाप को भूले तो अनेक उल्टे काम होना शुरू हो जाएंगे। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभवों रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। ज्ञान है कि शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अनुभव है कि शांत स्वरूप बनने की प्रैक्टिस योग में, फिर जब बन गए तब किसी को बताना तो वह अनुभव की अथॉरिटी हो जाता है। अनुभवी मूर्त बनना, अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता।
अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसीलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा, सबसे न्यारा देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा, वो है फरिश्ता। ओम शांति।